नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग एंगल में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड के कई स्तरों को समन भेजने जा रही है। बीती रात ही इसी कड़ी में एक और नया नाम दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का जुड़ गया है। वहीं अब एक वीडियो सामने आई है बॉलीवुड में हुई दीपिका पादुकोण की ड्रग्स वाली हेबोलिन पार्टी का सच, जिसमें अब तीन नए किरदार जुड़ गए हैं, जिन नाम है सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर। चौंकिए मत, क्योंकि इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बॉलीवुड ड्रग्स मामले में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दीपिका पादुकोण की एक चैट हाथ लगी है, जिसमें वे टैलेंट मैनेजर कंपनी की एम्प्लॉय करिश्मा प्रकाश के साथ चैट कर रही हैं। इस चैट में वे करिश्मा से हैश नाम की ड्रग मांग रही हैं। जहां गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो चैट 28 अक्टूबर 2017 की है। इस रात दीपिका पादुकोण से करिश्मा पूछ रही हैं कि आप कोको कब तक पहुंचेंगी, जिसके जवाब में दीपिका बताती हैं कि तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच। जहां आपको सबसे पहले बता दें कि कोको जो मुंबई के एक बेहद पॉश पब का नाम है, जहां पर अक्सर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज होती रहती हैं, जहां की पार्टियों में कई सारी फिल्मी हस्तियां शिरकत करती हैं। जी न्यूज़ ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इसी तारीख यानी 28 अक्टूबर 2017 की रात इसी जगह यानी कोको में हेबोलिन पार्टी हुई थी। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण के साथ सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर भी शामिल थे। खुद कोको पब ने इस पार्टी की 2 दिन बाद तस्वीर सोशल मीडिया पेज पर शेयर की थी। ऐसे सवाल उठता है कि आखिर उस रात इस पार्टी में क्या हुआ? क्या दीपिका ने करिश्मा से इस पार्टी के लिए ड्रग मांगा? क्या सोनाक्षी, सिद्धार्थ और आदित्य इस पार्टी का सच बताएंगे? ऐसे में जब मीडिया ने सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर को मैसेज कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, हालांकि अब तक उनकी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।